हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज की हमारी वीडियो है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे जो कि आपके प्रैक्टिकल्स में से पूछे जाएंगे। तो आज उसी का पार्ट टू है, तो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 10 तो हमारे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है, उसमें इन्होंने कहा है कि आपका ऑन एडिंग अ पीस ऑफ जिंक टू अ सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, कि अगर हम जिंक के पीस को एल्यूमिनियम सल्फेट में ऐड करते हैं, इट इज़ फाउंड दैट नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमें क्या पता चलता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एल्यूमिनियम को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं, तो एक केमिकल रिएक्टिविटी या फिर केमिकल जो आपका रिएक्शन होता है वो ऑब्जर्व होता है। तो उस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को। ये बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वो रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर है। आपको पता है कि दैट इज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। जिंक जो होता है वो एल्यूमिनियम से आपका लेस रिएक्टिव होता है। देयरफॉर एडिशन ऑफ जिंक टू एल्यूमिनियम सल्फेट, इसी वजह से अगर हम जिंक को एल्यूमिनियम सल्फेट में डालेंगे, तो क्योंकि जिंक यहाँ पर क्या लेस रिएक्टिवेट में वो कमजोर है, तो आप खुद सोचो कि एक कमजोर इंसान किसी ताकतवर को तो नहीं हरा सकता ना। इस वजह से जो जिंक है वो एल्युमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं लाएगा। लेकिन अगर हम वही बात करें दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड एल्युमिनियम बिंग मोर रिएक्टिव, क्योंकि आपका एल्युमिनियम जो है जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या क्या करेगा आपके जिंक को उसके सोल्यूशन से क्या कर देगा, आपको डिस्प्लेस कर देगा और एल्युमिनियम सल्फेट वहाँ पर उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस रिएक्शन का जो हम नाम होता है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका ऐसा रिएक्शन होता है जो क्या करता है, जो एक आपका मोर रिएक्टिव कोई भी एलिमेंट होता है, मेटल होता है, वो क्या करता है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है, नेम वन एक्सपेरिमेंट इज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक्सपेरिमेंट बताने हैं जिसमें हमें पता चल सके। एक तो आपको कॉम्बिनेशन का बताना है, दूसरा डिकम्पोजिशन का बताना है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इन चारों को लेकर हमें एक एक्सपेरिमेंट को बताना है कि किस तरीके से हम इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है उसको आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर हम बात करें एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका कैसा रिएक्शन होता है, जब आपके टू या टू से मोर जब सब्सटेंस मिलकर आपका वन सब्सटेंस बनाते हैं, तो आपका क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपका अगर हम बात करें वाटर और क्विक लाइम को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसमें आपका क्या एक एग्जांपल है, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका जस्ट आपका उल्टा होता है कॉम्बिनेशन से। इसमें क्या होती है कि आपका कोई भी एक प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्टेंट जो होगा वो टू या फिर मोर जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज एक्शन ऑफ हीट, अगर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल पर हीट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है टू या मोर सब्सटेंस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन नेल्स केप्ट इन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। आयरन नेल्स को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे, तो क्योंकि आयरन आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा वो डिस्प्लेस कर देगा। एंड लास्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। कुछ ऐसे भी सोल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस करने का काम करते हैं, तो वो जो रिएक्शन होता है आपका क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन्होंने कहा अ लंप ऑफ क्विक लाइम वॉज एडेड टू अ वाटर टेकन इन अ बीकर। इन्होंने क्या कहा कि हमने क्या करा, अ क्विक लाइम का जो लंप है उसको वाटर में ऐड किया किसी बीकर में। बट यू हैव टू टेल वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आपको बताना है कि आपका रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। उसके बाद इन्होंने पूछा है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, और जो भी उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसका नाम बताना है, और उसके बाद उसकी केमिकल इक्वेशन भी बतानी है। और सी पार्ट में कहा कि क्या हम इस रिएक्शन को अपने डेली लाइफ में कोई यूज़ करते हैं क्या। तो इसको हम आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं मोस्टली इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले आपका एडिशन ऑफ क्विक लाइम टू वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आप क्विक लाइम को वाटर में ऐड करोगे तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका एक ऐसा रिएक्शन होता है जो रिएक्शन के टाइम पे क्या करता है, हीट ऑब्जॉर्ब, मतलब कि हीट को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो आपका क्या होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
उसके बाद इन्होंने कहा था कि आप उसका प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि बनेगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या होगा आपका, अगर हम CaO+H2O के साथ मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो हम वाइट वॉश में यूज़ करते हैं घर में, तो ये उसके लिए हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन एन आयरन रोड इज केप्ट इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। व्हाट विल बी द आयरन रोड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इन्होंने कहा कि उस टाइप के रिएक्शन का नाम बताओ जबकि हम आयरन को क्या करेंगे, हम एक सोल्यूशन में डालेंगे कॉपर सल्फेट के। तो यहाँ पर आयरन रोड के साथ और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ क्या होगा, तो इसका आंसर है इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कॉपर विल बी डिस्प्लेस्ड एंड डिपोजिट इट्स सेल्फ ऑन आयरन एज रेड कोटिंग, द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर विल डिसअपियर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। कॉपर यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और डिपोजिट हो जाएगा अपने आप ही आयरन पे एज ए रेड कोटिंग, बट यहाँ पर जो आपका कॉपर का ब्लू कलर होगा वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा, ऑन एडिंग टू वाटर अ क्विक लाइम सिलेक्ट लाइम इज ऑब्टेंड। अगर हम क्विक लाइम में वाटर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सिलेक्ट लाइम ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको राइट द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का केमिकल नेम बताना है, उसके बाद सिलेक्ट लाइम का केमिकल नेम बताना है, एंड ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद किस टाइप का रिएक्शन हुआ ये भी हमें बताना है। तो क्विक लाइम का आपका जो केमिकल नेम होता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जबकि सिलेक्ट लाइम का होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका कैसा रिएक्शन होता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर टू आपके रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए हम इस टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कलर इज एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। इन्होंने कहा कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पर गिवन है उसको आपको बताना है कि किस कलर से इसका एसोसिएशन है या फिर बिलोंग करता है, दैट इज कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वैसे भी आपके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे जो है प्रीवियस 10 ईयर को एब्जॉर्ब करके डाला गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो कलर एसोसिएटेड होता है, कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट के बारे में बात करें कलरलेस होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एल्युमिनियम सल्फेट भी आपका कलरलेस होता है, जबकि फेरस सल्फेट जो होता है वो आपका लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट तो कलरलेस होता है, जबकि आपका कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट में कलर होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का और फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को मतलब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसे सेट करना है, जहाँ पर इन्होंने दिया है हमें जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन, और उसके बाद इसका हमें जस्टिफिकेशन भी देना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग अगर हम ऑर्डर करें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल का, तो सबसे जो आपका अगर इन चारों में से कंपेरिजन करें तो आपका सबसे पहला तो हो जाएगा कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका आयरन, उससे ज़्यादा होता है जिंक, और उससे ज़्यादा होता है आपका एल्यूमिनियम। और अगर हम बात करें इसके जस्टिफिकेशन के बारे में, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, दिस इज़ बिकॉज एनी मेटल इन द अबव सीरीज कैन डिस्प्लेस एनी मेटल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। इसमें कोई भी मेटल है तो वो अपने लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी है उसको क्या कर सकता है, वो डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, जिंक, आयरन और कॉपर तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि जिंक जो है वो फेरस और कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, जबकि आपका जो आयरन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है अपने सोल्यूशन में से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन एन एल्युमिनियम स्ट्रिप इज केप्ट इमर्स्ड इन अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, राइट टू ऑब्जर्वेशन। इन्होंने कहा है कि जब आपका एल्युमिनियम स्ट्रिप को अगर हम इमर्स करेंगे एक फ्रेशली बना हुआ फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में, तो यहाँ पर कौन कौन से दो ऑब्जर्वेशन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्टली आपका है पेल ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट डिसअपियर्स एंड कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका फेरस सल्फेट हमने कहा था कि आपका लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो वो क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा और एक कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट होगा अ ग्रेज ब्लैक कोटिंग ऑफ आयरन इज फॉर्म्ड ऑन द एल्युमिनियम स्ट्रिप, जबकि आपका जो ग्रेज ब्लैक कोटिंग आयरन होगा वो फॉर्म हो जाएगा एल्युमिनियम के स्ट्रिप पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहला हमें बताना है केमिकल इक्वेशन कि जब आपका कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, और सेकंड बताना है जिंक जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं जो आपका कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर
जब आपका सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, और वो क्या करेगा, सिल्वर को अलग कर देगा। तो यहाँ पर भी आपका वही चीज़ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट फिर से आप रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में ही बात करें, क्योंकि जो आपका कॉपर है वो क्या है, आपका सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इस वजह से इसने क्या करा, इसको डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद उसकी जगह उसने ले लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जिंक विथ फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो जिंक विथ फेरस सल्फेट सोल्यूशन का भी सेम सिचुएशन है आपका, जो जिंक है उसने क्या कर दिया, फेरस सल्फेट में से फेरस को, आयरन को क्या कर दिया, उसने डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह उसने ले लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एन एल्यूमिनियम वायर वॉज डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। का एक एल्यूमिनियम वायर को हमने फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में डाला और थोड़ी देर के लिए रहने दिया। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड फेरस सल्फेट। तो इसमें कौन कौन से आप चेंज करोगे उसके अपीयरेंस में, एल्यूमिनियम और फेरस सल्फेट में, तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अ ग्रेट डिपॉजिट ऑफ आयरन टेक्स प्लेस ऑन एल्यूमिनियम वायर। जो ग्रेट डिपॉजिट आयरन पे था वो क्या, कहाँ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के वायर पे चला जाएगा। एंड ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज डिस्चार्ज, और जबकि जो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। और ऐसा होगा क्यों, क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये थे आपके 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके इस वीडियो में प्रोवाइड करे हैं। उम्मीद है आपको इन वीडियो को कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक बार देखना है, आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाएगा, क्योंकि आप चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और वैसे ये क्वेश्चन आपके जो बुक के भी क्वेश्चन करने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आपका रिविज़न भी साथ साथ में चल रहा है। तो वीडियो को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।